आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं शिखा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। सदन की कार्यवाही से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहे हैं। 7 अगस्त तक सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। आज राज्यसभा में 12 बजे 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा। 3 तलाक बिल को राज्यसभा में पास करवाना सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। आपको बता दें कि 12 बजे का वक्त होगा जब 3 तलाक बिल पेश किया जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में ही पास कराना सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है, क्या कुछ हो सकता है? बीजेपी ने 3 लाइन की व्हिप जारी की है अपने सभी सांसदों के लिए, और चूंकि आज 3 तलाक बिल जो लोकसभा से पारित हो चुका है आज अपर हाउस में रखा जाएगा, और इसके लिए सभी सांसदों को मौजूद रहने के लिए व्हिप तो जारी ही किया गया है। बैठक में भी ये बताया गया है कि किस तरीके से आज सदन में व्यवहार करना है। 12 बजे 3 तलाक बिल राज्यसभा में रखा जाएगा, और इस बात की पूरी संभावना है कि इस पर व्यापक चर्चा होने के बाद करीब रात 9-9:30 बजे इस पर मतदान कराया जाएगा, और करीब करीब 11:30-11 बजे तक पूरी प्रक्रिया जाकर पूरी होगी। चूंकि 245 का जो कुल स्ट्रेंथ है, इस समय 241 सांसद राज्यसभा के हैं, 4 सीट अभी वैकेंट है, तो ऐसे में 121 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा सरकार कैसे प्राप्त करेगी, कैसे 121 सांसदों का बहुमत जुटा पाएगी, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है सरकार के सामने। और इसके लिए पिछले कई दिनों से बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता लगे हुए थे सरकार को इस बार। जी बिल्कुल अमित, क्या लग रहा है, तो क्या इस बार पास हो पाएगा, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? देखिए, सरकार उम्मीद से भी है और उत्साहित भी है, क्योंकि पिछले 2 बिल जो यूएपीए और जो आरटीआई अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर भी तमाम विपक्षी दलों ने बहुत विरोध जताया था लोकसभा में चर्चा के दौरान, लेकिन जब लोकसभा में ये टेबल किया गया ये दोनों ही बिल, और राज्यसभा में भी, तो दोनों ही जगहों पर बहिर्गमन कर गए, वॉकआउट कर गए जो विपक्षी सांसद थे, विपक्षी दल के जो एमपी थे राज्यसभा में, और बहुत आसान हो गया था सरकार के लिए दोनों ही बिल राज्यसभा में पारित कराना। तो इसको देखते हुए सरकार उत्साहित है, क्योंकि अब 23 मई के बाद चीजें बदल गई हैं। एक समय में AIADMK जो इनके खिलाफ थी, अब इनके साथ खड़ी है। तृणमूल कांग्रेस का क्या आज रवैया रहेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में TMC चाहती नहीं है कि हिंदू विरोधी दल के रूप में वो प्रचारित की जाए। बीजेपी का जिस तरीके से तैयारी है, जो लगातार 3 तलाक की पीड़िताओं की बात रखकर सामने, और ये कहते रहे थे कि 3 तलाक की पीड़िताओं के खिलाफ अगर आप होंगे तभी आप राज्यसभा में इसका विरोध करेंगे, तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें बदल गई हैं, और सरकार आशान्वित है, बीजेपी आशान्वित है कि बहुत आसानी से हम राज्यसभा में इसको पास करा लेंगे। जी बिल्कुल, चलिए तो उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें कि बैठक हुई है संसदीय दल की, आज 3 तलाक बिल पेश होगा, उससे पहले ये बैठक हुई है, तमाम रणनीति जो है वो बनाई जा रही है कि किस तरीके से पास कराना है, क्योंकि राज्यसभा में इस बिल को पास कराना सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद अब कामकाज वापस पटरी पर लौट रहा है। सीएम कमलनाथ ने अपने खास अफसरों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक में विधायकों की तरफ से बताए गए कामकाज की समीक्षा के साथ ही अन्य विकास कामों पर भी चर्चा की। बैठक में सीएम कमलनाथ ने अफसरों से इस संबंध में भी फीडबैक लिया है। आपको बता दें कि सीएम ने अफसरों से उन कामों का फीडबैक मांगा जिन कामों को सदन में विधायकों ने गिनाया था। इसके अलावा ई टेंडर घोटाले में हुई अब तक की कार्रवाई के बारे में भी जानकारी ली है। सूत्रों के मुताबिक विधानसभा सत्र के बाद अब कमलनाथ सरकार उन मामलों में जांच शुरू करवाने वाली है जो पिछली सरकार के समय में घोटाले हुए हैं। इनमें ई टेंडर और व्यापम घोटाला सबसे पहले है। तो विधायकों के किए गए विकास कामों के बारे में चर्चा की उन्होंने, और केंद्र सरकार सीएम के करीबियों पर शिकंजा कस सकती है।
और मध्य प्रदेश की देश में ही नहीं पूरे विश्व में पहचान है। सीएम कमलनाथ मिंटो हॉल में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश में बाघ और जंगल सुरक्षित हैं, तो इसका श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को जाता है। सीएम ने कहा कि साल 1980 में विरोध के बावजूद उन्होंने लोकसभा में फॉरेस्ट एक्ट पास करवाया। कमलनाथ ने कहा कि भारत जैव विविधता के मामले में दुनिया का सबसे धनी देश है। बाघ दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए एमपी के मुख्यमंत्री कमलनाथ, सीएम कमलनाथ ने फोटो की प्रदर्शनी की। मध्य प्रदेश में को विश्व में पहचान मिली है, उनका कहना है। और मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए सियासी घटनाक्रम का पूरा फीडबैक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को देने के लिए 3 कैबिनेट मंत्री दिल्ली पहुंचे हैं। इनमें मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया और इमरती देवी शामिल हैं। आपको बता दें कि विधानसभा में दंड विधि विधेयक के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों का कांग्रेस के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करना इस बैठक का अहम हिस्सा रहा है। हालांकि तीनों मंत्रियों ने इस मुलाकात को अपने क्षेत्र में होने वाले विकास कामों के बारे में आम चर्चा होना बताया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के अलावा उनके साथ सिंधिया समर्थक विधायक भी दिल्ली पहुंचे थे। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सिंधिया से कैबिनेट मंत्री मिले हैं। तीनों मंत्रियों ने विकास कामों को लेकर चर्चा की, कई और अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। क्रॉस वोटिंग के मामले पर भी बात की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में शामिल किए जाने की मांग को सीएम कमलनाथ ने मान लिया है। अब ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी समेत ग्वालियर क्षेत्र के विधायकों ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि चंबल क्षेत्र के विकास को लेकर इस क्षेत्र के मंत्री और विधायकों ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात की और उनसे चंबल संभाग के विकास कामों के संबंध में चर्चा की। बताया ये भी जा रहा है कि पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक मंत्रियों को चंबल क्षेत्र के विकास के लिए सीएम से मिलने का निर्देश दिया था, जिसके बाद संभाग के विकास कामों का ब्लूप्रिंट लेकर वो सीएम से मिलने पहुंचे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने की। इस दौरान उनके साथ खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी सहित कई विधायक शामिल थे। तो सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर को भी मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रोजेक्ट में शामिल किया। प्रस्ताव को सीएम कमलनाथ ने हरी झंडी दी है। सिंधिया ने पत्र लिखकर सीएम कमलनाथ से मांग की थी कि ग्वालियर को मेट्रोपॉलिटन सिटी प्रोजेक्ट में रखा जाए। सिंधिया की इस मांग को मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हरी झंडी दी है। और मध्य प्रदेश में बीजेपी से बगावत करके 2 विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में विधानसभा में दंड विधि विधेयक के समय वोट किया था, जिसके बाद से पार्टी की अंतर्कलह सबके सामने खुलकर आ गई है। बीजेपी के कई विधायकों और संगठन नेताओं के बीच खराब तालमेल होने की भी अटकलें हैं। बीजेपी अब अपने विधायकों को बचाने के प्रयास में जुट गई। हालांकि अभी तक पार्टी की तरफ से कांग्रेस को वोट करने वाले विधायक नारायण त्रिपाठी और शरद कोल के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन बीजेपी अपने 106 विधायकों पर नजर बनाए हुए है। पार्टी को आशंका है कि कुछ विधायकों को सत्ता पक्ष की ओर से ऑफर मिल सकता है, जिससे उनकी पार्टी छोड़ने के आसार है। ऐसे हालातों को देखते हुए पार्टी ने रणनीति बनाई है कि बागी विधायकों से 1-to-1 चर्चा की जाएगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 1 अगस्त को मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विधायकों से चर्चा कर सकते हैं। तो जेपी नड्डा के सामने बीजेपी विधायकों की पेशी होगी, जल्द बागी विधायकों की पेशी हो सकती है। बीजेपी की तरफ से बागी विधायकों पर गाज गिर सकती है। और रतलाम के गांव सरसी में शासकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल की प्रिंसिपल के जरिए सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है, जिसके बाद हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कलेक्टर और एसपी के नाम का ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक स्कूल के गेट पर पुलिस बल पहले से ही तैनात कर दिया गया था। हिंदू संगठन और ग्रामीण नारेबाजी करते हुए स्कूल के पास पहुंचे तो पुलिस ने स्कूल के गेट पर ही रोक लिया उनको। हिंदू संगठनों और ग्रामीणों का कहना है कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है, और ये भी कहा है कि जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की रहेगी।
आपको बता दें स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ लोगों में रोष है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी, प्रिंसिपल को हटाए जाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में मॉनसून की जबरदस्त वापसी हुई है। लगातार बारिश से कई जगह बाढ़ के हालात बन गए हैं। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसे पार करते हुए कई जगह लोगों के फंसे होने और बहने की खबर है। वहीं अब बारिश को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 27 जिलों में भारी बारिश हो रही है। आपको बता दें कि भिंड जिले में बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं शिवपुरी जिले में भी एक पिता पुत्र पर बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई। वहीं सीहोर में एक पुलिया पर तेज बहाव के पानी में एक बच्चा डूब गया, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आगामी 48 घंटों के 27 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। भारी बारिश से एमपी के हालात बिगड़ गए हैं। नर्मदा के सभी घाट जलमग्न हुए हैं। इंदौर के आसपास नदी नाले उफान पर हैं। एमपी में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है। 27 जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश में मॉब लिंचिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खरगोन में सामने आया है, जहां बच्चा चोरी के शक में पुलिस ने 2 युवकों को पकड़कर पीट दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को अपनी हिरासत में लिया है। देखिए, मध्य प्रदेश के खरगोन में मॉब लिंचिंग। बच्चा चोरी के शक में 2 लोगों को पीटा। भीड़ के गुस्से का शिकार हुए बाइक सवार, लात घुसे और थप्पड़ों से की पिटाई। यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के खरगोन की है, जहां भीड़ 2 लोगों को पीट रही है। इन दोनों पर बच्चा चोरी का आरोप है। भीड़ ने दोनों की लात घूसों से पिटाई की। गांव के एक सैनिक के बीच बचाव कर दोनों युवकों को एक सरकारी भवन में कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। लोग दोनों को भीड़ के हवाले करने की मांग करने लगे। दोनों युवक 6 साल के बच्चे को बाइक पर बैठाकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझकर दोनों को पीटा। हमारे पास सूचना आई थी कि पीपलखेड़ा में 2 व्यक्ति बच्चे को उठा के ले जा रहे, तो उसके साथ में मारपीट कर रहे। इस सूचना पर हम 100 डायल लेके गए। वहाँ पे जाके तस्दीक करी। ये लड़के वहाँ पे, लड़के का पिता है शिवलाल, ये सुरेश पिता शिवलाल जाति भी निवासी पीपलखेड़ा। उसका लड़का है राहुल पिता सुरेश जाति भी, उम्र 6 साल की, 2 व्यक्ति उठा के ले जा रहे। उसके बाद में मारपीट की। फिर वहाँ जाके तस्दीक, दोनों व्यक्ति को साथ में लाए, उनसे भी तस्दीक की। उनके द्वारा बताया कि कल दिनांक गाय खरीदना बताया था, जो लड़के के दादा शिवलाल से उसी के पैसे आप देने गए थे। तो उसी ने पूछा कि दादा कहाँ गए, तो दादा फिर बताया कि बोले किस पाला काटने गए। तो बच्चे को बोले चल हमको बता दे। फिर बच्चे को बिठा के उदयपुर नाले तरफ ले गए, तो वहाँ नाले पर नहीं मिला। फिर वापस लेके आए, उतने सब गाँव वालों ने मिलकर बच्चा चोर दोनों साथ में मारपीट। 2 जन गए, बच्चे को बिठा के लेके भाग रहे थे, इसलिए मैं हम पीछे से गए 5-6 जन गाड़ी लेके। उसके बाद में वापस लाए इनके, फिर उतारे गाड़ी पर से दूसरे और मारने लग गए इनको। तुमने पहले पूछताछ नहीं करे, उसके पहले मारपीट चालू कर दी? तो भैया सबसे कोई चले ले, सब दूर बच्चे किडनैप हो रहे हैं, इसलिए वो थे कि मारने लग गए उनको। फिर उनको मत मारो के तब जे आए वो मार। दरअसल ये मामला खरगोन से 13 किलोमीटर दूर बिस्टान का है। 2 युवक बाइक से गांव में पहुंचे। दोनों ने 6 साल के राहुल को बाइक पर बैठाया और खेत की ओर जाने लगे। इसी दौरान गांव के कुछ लोगों ने बच्चे को बाइक पर ले जाते देख लिया। गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैल गई।
ग्रामीणों और बच्चों के पिता ने बाइक से पीछा कर दोनों युवकों को पकड़ लिया। इस दौरान भीड़ बढ़ गई। भीड़ से ही कुछ युवकों ने दोनों को पकड़ लिया और लात घूसों से पिटाई करनी शुरू कर दी। इस दौरान गांव के ही एक सैनिक ने बीच बचाव किया। पकड़े गए दोनों युवकों के नाम कलीम खान और अनास खान बताए गए। तो वहाँ पैसे देने गए थे, बच्चे को उठा के हम लेगा, बच्चों को घर भी लेना, उन्होंने मार चालू कर दिया हमारे पे, बच्चा चुरा के लिया। तुमने बच्चे को नहीं उठाया? नहीं उठाया था, हम बच्चे को पीछे ले। अच्छा, पूछने के लिए जा रहे थे? पूछने के लिए पाला भाई, तेरा ठोकरा भी ले ला, पैसे दे दाम तेरे को। उसको गाय बेची थी क्या तुमने? ली थी उनसे हमने, बछड़ा भी काम लूट था सवाल, तो फिर गाय बिन देना, पैसे भी पैसे देने का, हमारे पैसे दिए थे यार, पहले दो मोबाइल भेज लिए। कितने पैसे हैं? 20,000 रुपये। पुलिस हिरासत में दोनों ने बताया कि हम तो बच्चे के दादा शिवलाल से खरीदी गाय के पैसे लेने गए थे, इसीलिए बच्चे को दादा का पता पूछने के लिए ले गए थे। इस दौरान ग्रामीणों ने हमें बच्चा चोर समझ लिया और पिटाई करनी शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर बयान लिए। बच्चे के परिवार वालों से भी पूछताछ की जा रही है। देश में मॉब लिंचिंग के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, कभी यूपी तो कभी बिहार तो कभी राजस्थान। सवाल ये उठता है कि आखिर ये वारदातें कब रुकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।